इस भेष में सही रहेंगे। आप कोई भी आपको खरीद सकेंगे। हाँ बिल्कुल, हमारा संपत्ति हमारे राज में रह गया, अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। आओ महारानी, कितनी दूर तोरी काशी हो ब्राह्मण, कितनी दूर तोरी काशी, तोरे काशी हो ब्राह्मण, कितनी दूर तोरे काशी, प्रीतम मेरे दास तुम्हारे, प्रीतम मेरे दास तुम्हारे, प्रीतम मेरे दास तुम्हारे, मैं हूँ चरणों की दासी हो ब्राह्मण, इतनी दूर तोरे काशी, इतनी दूर तोरे का। हमको चुटकी काटता है नाचने के बदले में, सबसे पहले तुमको बेचेंगे, सोच लेना। चलिए भोलेनाथ सा निराला, कोई और नहीं है। महाराज देखिए ऊपर की ओर देखिए, कितना कड़ा धूप है, रानी थक गई है, कुम्हला गई है, रोहित जो है देखिए ये नन्हा सा बालक चलते चलते थक गया है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे हाथों का जल भरा हुआ है, ब्राह्मण का हाथ का जल पिएगा सद्धर्म नष्ट हो जाएगा। महाराज थोड़ा सा जल है हमारे पास, इसे पी करके आत्मा को संतुष्टि पहुंचा। दक्षिणा जो भी नहीं दिया हो, पानी कैसे पी लूं? दान का महत्व यदि आप ब्राह्मण है जानते हैं, तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं भी जानता हूं। दान देने वाला व्यक्ति यदि दक्षिणा देने से पहले अन्न जल कर लिया, तो उस दान का महत्व समाप्त। हे मुनिनाथ, दोनों कर जोर कर दूज, यही विनती, बस कहो आप हमसे न जलपान की, मति ठहरो यहाँ, जल्द काशी चलो, मुझे भारी फिकर आपके नाम। सुकृति पुण्य सत धर्म ईमान की, दे चुका कर्ज तब मैं करूं अन्न जल, हो बे ढेरी मिला सच्चा है प्राण। महाराज आप पुरुष हैं, आपके पास सहन शक्ति है, सह सकते हैं, लेकिन महारानी तो राजमहल में रहने वाली, अरे धूप में चल रही है, महारानी का चेहरा कितना कुम्हला गया है। आहा महारानी, अरे मेरे पास जल है, इसे पी करके तो आत्मा संतुष्टि पहुंचाओ, पी लो, लो लो लो।
क्षमा करे गुरुदेव, मेरे पति दान दिए हैं और मैं ये पानी नहीं पी सकती। दोनों एक ही स्कूल से पास। अच्छा, ये दोनों नहीं पिए तो क्या, बच्चा तो जरूर पी लेगा। तीनों में से एक को भी पिला दूंगा, सब धर्म नष्ट हो जाएगा। इधर देखो, तुम्हारे मम्मी पापा जो है सियाने, तुम तो अभी नैदान हो, प्यास लगी हुई होगी, पी लो पानी। आप अपना अकल क्यों खर्चा कर रहे हैं? आप अपने अकल अपने पास रखें। अरे मिर्चैया, अरे माने हम तुमको जल दे रहे हैं पीने के लिए, तो हम अपना अकल खर्चा करते हैं। सुनो, सबसे पहले हम तुमको बेचेंगे और बगैर दक्षिणा दिए हुए मरना मत, समझे? ठीक है, चलो चलिए बाहर। बेटा, पानी नहीं पीना था तो ना कह देता। ब्राह्मण हमारे तुम्हारे लिए देवता है, ब्राह्मण को ऐसी कटुवानी छत्री को शोभा नहीं देता है। नादान है गुरुदेव, माफ करे। हाँ, अकल का सवाल कर लिया है ना? कितनी दूर तोरे काशी हो ब्राह्मण, कितनी दूर तोरे काशी। महाराज, हम लोग काशी विश्वनाथ में आ पहुंचे हैं। सबसे पहले चले गंगा में स्नान करें और विश्वनाथ जी का दर्शन करें। देवता जी, लगता है कि आप तपोबल से काशी पहुंचा दिए। ये लहर पर लहर जो मार रही है, गंगा की धारा है। मेरे दादाजी इस धरा धाम पर गंगा जी को लाए हैं। एक मुख से मैं महिमा कहूं तेरी क्या, धन्य काशीपुरी, धन्य काशीपुरी। सोर शिव शिव का चारों तरफ हो रहा, धन्य काशीपुरी, धन्य काशीपुरी। काशीपुरी, वेद की ध्वनि गगन को रही है गुंजा, धन्य काशीपुरी, धन्य काशीपुरी। मेरे दादाजी का लाया हुआ गंगा है। हे भक्त वत्स, जगत में महिमा तुम्हारी न्यारी, थके शेष जस बखान करके तो मैं स्तुति किम करो तुम्हारी। जिनको प्यारा जय सच्चिदानंद, जय त्रिपुर। कहा है आपने वो नहीं भूला हूं, वचन मैं अपना वही निभाऊ। गंगा घाट पर गोता लगाऊ अगर आपकी दया खरारी। ये
मंदिर जो है प्राचीन काल से है, बाबा विश्वनाथ है इसमें विराजमान। और जब मेरे दादाजी गंगा जी को लाए हैं तो हम तीनों गंगा में स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। हेलो, तब तक आप काशी वाराणसी में मेरा गाहक खोजिए। हाँ, जाइए महाराज स्नान करके और बाबा विश्वनाथ का आप तीनों दर्शन कीजिए, तब तक मैं आवाज दे रहा हूँ। हाँ भाई, काशी के वासियों, आप लोग से कहना है, मैं तीन मनुष्य को बिक्री करने के लिए आया हूँ। एक पुरुष है, एक नारी है, एक बालक है। यदि तीनों का जरूरी है तो 60 भार सोना लगेगा। यदि एक आप लेते हो नौकर तो उसका 20 भार सोना लगेगा। आइए, जिन्हें नौकर का जरूरी हो आकर के मेरे पास से खरीद करके आप ले जाएं। एक का कीमत है 20 भार सोना। आ जाओ भाई। हेलो, अरे छोटे बड़े काम सब बाबू सलाम, छोटे बड़े काम।